हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है। मैं आज आपके सामने बहुत ही सुंदर डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर डिजाइन है। तो आइए मैं इसका नाप बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नाप लेके रख दिया है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये हमारे ढाई ढाई इंच के चार पीस होंगे। ये हमारे ढाई ढाई इंच के टू पीस होंगे। ये हमारे 7 इंच की ये पट्टी होगी। ये ढाई इंच की चौड़ाई है। ये 5 इंच की हमारी पट्टी होगी। ये 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये 3-3 इंच के दो पीस हैं और ये 3-3 इंच के तीन पीस हैं और ये 3-3 इंच का एक पीस है। ये 1-1 इंच की पट्टी है और 2.5 इंच इनकी लंबाई है। ये 1.5 इंच की पट्टी है, 2.5 इंच इनकी लंबाई है। ये पीस है, ये 1.5 इंच का है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं इनको पहले सेट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने टुकड़े बिछा लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये येलो कलर का जो हमने 3-3 इंच के टुकड़े लिए थे, ये दो टुकड़े 3-3 इंच के, तो हम क्या करेंगे, हम इसे 3 इंच वाले पे इसको ऐसे रखेंगे और इसके बाद ये हमने स्केल से लाइन मार ली है। अब क्या करेंगे, हम इसको साइड में से सिलाई लगाएंगे। जैसे कि हर वीडियो में आपने मेरा देखा होगा कि मैं कभी भी ऐसे ही कपड़ा नहीं काटती हूँ, पहले इसमें लाइनिंग ये लाइन लगाती हूँ और फिर इसके बाद मैं साइड में से सिलाई लेके इसको बीच में से कट करूँगी। तो ये मेरे दो पीस हैं और सेम दो पीस ये हैं मेरे, जो मुझे दोनों येलो येलो पीस चाहिए जॉइंट करने के लिए। और एक मैंने ये ऑरेंज का और ये पीस लिया है, इसमें भी मैंने ये लाइन लगा ली है। अब क्या करेंगे, साइड में से एक एक सिलाई लगाएंगे। तो इसमें भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से बीच में से इसको कट करेंगे। तो ये मैंने दोनों पीस अपने ले लिए हैं और इनमें मैं बीच में से कट कर रही हूँ। ये मैंने ऑरेंज कलर का भी टुकड़ा कट कर लिया है। अब ये ऐसे खुल जाएगा, तो मैं इसको फटाफट आपको सिल के दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, मैं लगा देती हूँ ताकि हमें आपको समझाने में मदद मिले। तो ये देखिए, ये मैंने लगा लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रख के इस पर सिल देंगे और इसको इस पर रख के सिल देंगे, इसको इस पर रख के सिल देंगे और इसको इस पर रख के सिल देंगे। तो ये हमें तीनों पीस ऐसे सिलने हैं। तो मैं सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो पीस है इसको ऑरेंज वाले, इसको इसके ऊपर ऐसा पलट देंगे, इसको इस पे सिल के ऐसे पलट देंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो ये हमारा जो ये जो दो हमने पीस यहाँ रखे हुए हैं 2.5 इंच के, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको रख के ऐसे पलट देंगे और इसको पलट के ऐसे रख देंगे। तो ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया है, अब हम इसको सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिल गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस पर रख कर सिलेंगे। यहाँ पर इसको बीच में से बीच को मिला लेंगे और इसको पलट के तब हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी कंप्लीट हो गया है। ये पीस हमारा यहाँ जुड़ेगा और अब हम क्या करेंगे, ये जो पीस हमारा, इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से पहले एक लाइन मार लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लाइन लगा ली है। अब इस पर हम सिल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ साइड से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये ऐसे खुल जाएगा, तो इसको हम यहाँ रखेंगे और अब हम इन दोनों टुकड़ों को आपस में जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ से इसको ऐसे पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पीस सिल लिया है। अब इसको हम इस पर रख कर, देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये दो टुकड़े बच गए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो टुकड़ा है इसकी हम सिलाई खोल के ये वाला टुकड़ा हम इसको निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस कप टुकड़े को ऐसे रख के यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, हम इस हिस्से को कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद ये ऐसे खुल गया है। ये हमें चोच के लिए इस्तेमाल करना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, इसको यहाँ
रखेंगे और इस टुकड़े को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ सिल के पलट देंगे। पहले इसको आप नाप लीजिएगा कि पूरा 2.5 इंच तैयार रहे, फिर इसको यहाँ सिल के पलट देगा। तो मैं इसको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिल लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रख के यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। ये आपको मैंने पहले दिखाया था। तो ये देखिए सर, देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। इसमें हम एक डॉट लगा देते हैं। आप जब इस डिजाइन को बनाएं तो यहाँ चाहे आप एक छोटी सी कढ़ाई कर लीजिए धागे से, तो ये, या फिर एक छोटा सा बटन, सितारा, कुछ भी लगा लीजिए, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस डिजाइन को बनाइए और अपने घर को सजाइए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।